Hello students, this video is for the first chapter, that is the relation and function. तो इस relation and function को पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा 11th class पे लेक्चर लूंगा. आपका जो first chapter 11th class में था वो था sets. Second chapter जो था वो था relation and function. Class 12th में भी जो second chapter था आपका relation and function था. तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको याद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़े थे, रिलेशंस पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे. इस क्लास में आपको टाइप ऑफ रिलेशंस और टाइप ऑफ फंक्शंस के विषय में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम रिलेशंस की बात करते हैं. तो मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन यहाँ रिव्यू करवाऊंगा. सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. Then रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसमें हमको याद होगा हम ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं. तो हमारे पास दो सेट्स गिवन होगा, पहले हम उसका ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं. ए क्रॉस बी में आपको याद होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता था. नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में हमारा आता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. अब यहाँ जैसे आपका दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर लेना होता है रिलेशन के अंदर, जिसमें ए बी के साथ किसी न किसी कंडीशन के साथ वो रिलेटेड होंगे, वो हमें ए क्रॉस बी से रिलेशन में लेना होता है. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. Then relation R is the subset of A cross B in which A and B are connected with a specific relation, specific relation. मतलब जैसे मान लो कि हमने ऐसे ले लिया x कॉमा वाई सच दैट y is divisible by x एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R. मतलब हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ले रहे हैं और उस रियल नंबर में से हमने ऑर्डर पेयर ले लिए और उसमें से उन्हीं ऑर्डर पेयर को हम इस आर के अंदर रखेंगे जिसमें पहला एलिमेंट जो है दूसरे वाले को डिवाइड कर सके. अब जैसे 1 के साथ तो सबका आ जाएगा, 2 के साथ अगर हम बात करें तो 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8, यानी 2 जिसको जिसको डिवाइड कर सकता है. तो इस तरह से हम रिलेशन के डेफिनेशन है. मतलब यहाँ पर कोई ना कोई आपका कंडीशन होगा. ये चीज आपने जो है क्लास लेवल में पढ़ ली थी. आपका यहाँ पर जो हेडिंग है वो है टाइप ऑफ रिलेशन के विषय में. तो अगर हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो बच्चों सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन. मीन्स यहाँ हम स्टेटमेंट तो बोलेंगे लेकिन आपको उसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं, सपोज हमारे पास एक सेट है, रिलेशन है R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई. ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एम्प्टी रिलेशन आएगा. एक्स कॉमा वाई वेयर x is the brother of y, where
x comma y are students of government girl government girls senior secondary school। यहाँ हमने गवर्नमेंट गर्ल का इसलिए नाम रखा है क्योंकि आमतौर पे जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो 100% कोएड स्कूल्स होते हैं, 99% तो आप कह ही सकते हो, लेकिन जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बहुत सारे स्कूल हैं जो कि केवल गर्ल्स के लिए और केवल बॉयज के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसमें लिखा है एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों ही गर्ल्स होंगी। अब अगर x और y दोनों ही गर्ल्स हैं तो x जो है वो ब्रदर ऑफ y तो हो ही नहीं सकता, यानी ये रिलेशन तो बनता है लेकिन उस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे रिलेशन को जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए, एम्प्टी सेट हो जाए, उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, या नल रिलेशन भी बोला जाता है, या फाई रिलेशन भी कहा जाता है, जैसे आपका एम्प्टी सेट होता था। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपके बुक में डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे जो भी हम उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सबके सब उस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो ब्रदर के जगह पर मैं स्कूल मेट लिख देता हूँ, इसी क्वेश्चन इसी स्लाइड में अगर मैं लिखता हूँ वेयर एक्स इज द स्कूल में ऑफ वाई, तो स्टूडेंट आपको पता है कि एक स्कूल के दो बच्चे क्लासमेट हो या ना हो स्कूल में तो होंगे ही होंगे। स्कूल में का मतलब होता है एक ही स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे। तो हमने बोला है कि एक्स और वाई जो है स्टूडेंट ऑफ, अब यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स लिखो या स्कूल खाली लिखोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि तो किसी भी स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो बॉयज हों या वो गर्ल्स हों, ऑल आर स्कूल में, तो ये जो रिलेशन होगा वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, यानी जिसके अंदर सारे रिलेशन जो है सारे ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका दो डेफिनेट टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा, एक हमने एमपी पढ़ा, दूसरा हमने यूनिवर्सल पढ़ा, और तीसरा रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं उसको आप ध्यान से सुनो। अब हमारे पास जो है तीन है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन कंडीशन होता है, वो भी रिलेशन के अंदर ही आता है, एक है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, मैं आपको केवल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, डेफिनेशन आप अपने बुक से लिख लेना। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं उसको ध्यान से देखो। अगर किसी रिलेशन के अंदर दोनों ऑर्डर पेयर सेम हो, जैसे R इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू R, तो अगर किसी रिलेशन के अंदर जिस सेट से वो रिलेशन बना है उसके सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड हों, दोनों एलिमेंट सेम हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्री, तो उसके लिए कंडीशन होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, अगर ए भी आर में है और बी ए भी आर में हो गया, उसका हम रिवर्ट कर देते हैं, वो भी अगर उसके अंदर आ गया तो उस रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन कहोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो हमारे पास दो लाइन है ए बी और सी डी, अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है तो सी डी भी ए बी के पैरेलल होता ही होता है, तो इस तरह का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अगर परपेंडिकुलर लाइन है, अगर ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी है तो सी डी विल आल्सो बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इस तरह का रिलेशन जिसमें अगर ए कॉमा बी लाइज कर रहा है और बी कॉमा ए भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, आर यहां पर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान रखना, और
BC belongs to R है, और अगर AC भी R में हो गया, ध्यान रहे अगर AB और BC है तो अभी हम AC को ढूंढेंगे। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपका ज्यादा क्लियर होगा। अगर AB है और BC नहीं है तो आपको AC ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी रिलेशन के अंदर AB है, BC है और अगर AC भी हो गया तो वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होता है, और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक रिलेशन बना एक आर लिख रहा हूं रिलेशन का, उसमें आपको देखकर अंदाजा बताना है। हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। अब ए आर जो है वो हमारा है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब देखो इसमें ए क्रॉस और रिलेशन जो है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1। और ये जो हमारा रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मैं आपको इसलिए एग्जांपल दिया हूं क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है। देखो ये 1, 1 और 2, 2 दोनों होने के चलते ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 1, 2 इसके अंदर है और इसका रिवर्स 2, 1 भी इसके अंदर हो गया तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ध्यान से देखना 1, 2 और 2, 1 तो ये दोनों 2 सेम हो गया ना, तो 1, 1 और 1, 1 भी हमारे पास है। फिर अगर हम उल्टा करके देखते हैं 2, 1 और 1, 2 तो 1, 1 सेम हो गया, उसको कट करने के बाद 2, 2 तो 2, 2 भी इसके अंदर है। यही आप ट्रांजिटिव में ए बी और बी सी, फिर बी और बी जो सेम है वो कट हो गया, पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट। याद करना आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये पढ़े हो एम क्रॉस एन और एन क्रॉस बी, तो एन एम एन कैंसिल हो जाता था, वही यहाँ पर भी केस हो रहा है, ये बी और बी कैंसिल हो गया और ए और सी आपके पास आ गया तो आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो अब आपको इस टाइप ऑफ रिलेशन में इतना ही है, पहला आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया, दूसरा आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, तीसरा आपका तीसरा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस को समझा रहा हूं, आप एग्जांपल को पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि ज्यादातर इसमें हमारा ओरल ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को देखोगे तो आपका ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। याद करो आपने जो 11 में पढ़ी थी, सेट दो तरह से रिप्रेजेंटेड होता था, एक था हमारा वो सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा हमारा रोस्टर फॉर्म। तो जो ये रिलेशन अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ढूंढेंगे कि क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसको ध्यान से आप देखो, इसमें आर में दे रखा है आपका, हालांकि ये 11 क्लास का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सेट हमारे पास है ए, पहले मैं आपको सेट लिख दूं, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक, और इसके बाद हमारे पास R जो इन्होंने लिखा हुआ है, R में दे रखा है x, y such that y माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जो 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 है
अगर हम इसको अलग से लेके सॉल्व करें तो हमें ये पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू 3x हो रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3x उधर चला जाएगा, y इक्वल टू 3x आ गया, यानी यहाँ y के जगह पर हमारा 3x हो गया। तो r इज इक्वल टू, आपको लिख लो यहाँ पर, आपको क्लियर हो जाएगा x कॉमा 3x। बट ये ध्यान रहे कि x और y दोनों ही, यहाँ पर ये भी लिखा है कि x और y belongs to set A, x और y में दोनों एलिमेंट इस 14 से ज्यादा और 1 से कम आप नहीं ले सकते हो, आपको लेना है यही से, इन्हीं एलिमेंट में से लेना है। तो पहले आप इस r को लिखने का कोशिश करो, r में क्या आएगा, अगर मान लो कि मैं x के जगह पर 1 लेता हूँ तो 1 के जगह पर 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ आएगा 3, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के साथ आएगा 6, 3 लेते हैं तो 3 के साथ आएगा 9, 4 के साथ 12 और 5 लेंगे तो 5 के साथ इज देयर 15, नो यहाँ पर 14 तक ही है, तो हम इतना ही एलिमेंट ले सकते हैं। अब आप खुद ही बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या इसमें दोनों एलिमेंट सेम है किसी ऑर्डर पेयर का, नो रिफ्लेक्सिव, नो रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिक है, यानी कि अगर 1-3 इसके अंदर है तो क्या 3-1 है, नो, तो नो रिफ्लेक्सिव के लिए रीजन होगा बिकॉज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए का मतलब ये नहीं कि हम ए बी सी डी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ए कॉमा ए का मतलब दोनों एलिमेंट सेम वाला, इसके अंदर एक भी नहीं है। और दूसरा आ गया नो सिमेट्रिक। अब नो सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूं, 1-3 तो आर में है लेकिन पर 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1-3 तो आर में है लेकिन 3-1 आपका आर में नहीं है। तो तीसरा हमारा नो ट्रांजिटिव, नो ट्रांजिटिव यानी कि देखो बच्चों आपको नहीं, 1-3 इसके अंदर है, 1-3 बिलोंग्स टू आर, देखो ध्यान से ढूंढना पड़ेगा आपको, 1-3 इसके अंदर है और 3-9 भी है इसके अंदर, लेकिन जब 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो 1,9 does not belongs to R, तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, यानी कि ये रिलेशन जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही आपका ट्रांजिटिव है। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। अब मैं एक क्वेश्चन, इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको बता रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन बताने के बाद आपका, आप इसमें ढूंढ सकते हो, आपके पास आसानी से ये समझ में आ जाएगा। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें एक्स कॉमा वाई, ये भी आई थिंक सो कि 11th क्लास का ही क्वेश्चन है, इसमें आपका जो आर है वो है एक्स कॉमा वाई और वाई क्या है, तो वाई है एक्स प्लस फाइव, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स जो है वो लेस देन 4 दे रखा है, एक्स इज लेस देन 4। अब आपका जो सेट है वो रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर के लिए है, तो आप मुझे सबसे पहले बताओ कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा होता है, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है, तो हम बात करेंगे पहला हमारा 1 आएगा, और अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितना होगा, 6, अगर हम 2 रखते हैं 7, अगर हम 3 रखते हैं, क्या हम 4 रख सकते हैं इसमें, बिकॉज आपको 4 से छोटा लेना है, 4 के इक्वल का साइन नहीं है। अब आप खुद बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नो रिफ्लेक्सिव, नो रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है, नो सिमेट्रिक। यहां रीजन हो गया क्योंकि AA does not belongs to R, यहां जो है वो 1,6 R में है, 1,6 belongs to R, but 6,1 does not belongs to R। अब मुझे बताओ कि क्या ये ट्रांजिटिव है, एक बार पॉज करना, अब हम जैसा मैंने आपको बता रहा था ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये ट्रांजिटिव है, बट इट इज
ट्रांजिटिव, क्योंकि देखो बिकॉज जो है व्हेन व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन आपका जो ए सी है वो आर के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ ए बी तो है 1.6 तो है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ 1.6 है, 6 किसी और के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम ए सी को ढूंढेंगे नहीं। 2.7 है, 7 और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो जहां पर ऐसा आता है कि अगर ए बी है और बी सी ही नहीं मिला तो हम ए सी को ढूंढते ही नहीं है और वो डायरेक्टली आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। अब आप इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड थर्ड पार्ट है उसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर इसके पांचों पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपका सारे आगे वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, और वैसे भी ये पहला क्वेश्चन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो सेकेंड पार्ट है वो रिफ्लेक्सिव तो है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ये फर्स्ट का सेकेंड पार्ट था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपको देखना है कि रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पर, फिर देखना है कि सेट कौन सा है। तो हम पहले आपको मैं बताता हूँ कि सेट यहाँ पर है ए, जिसके अंदर 1 से 6 का तो एलिमेंट है, ये थर्ड पार्ट है। ए है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और जो आपका आर है उस आर के अंदर आपके पास एलिमेंट जो कंडीशन है वो है एक्स कॉमा वाई, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मैं आपको ओरल एग्जांपल दिया था, वाई इज डिविजिबल बाई, मैं इसी का आपको एग्जांपल दिया था। अब आप इसमें ढूंढो आर में क्या रिलेशन बन सकता है, मतलब हमें सेकेंड एलिमेंट वही लेना है जो फर्स्ट वाले से डिविजिबल होगा। अगर मान लो कि मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 लेता हूं तो 1 किसको किसको डिवाइड कर सकता है, तो ध्यान से देखना, यहीं पर गलती होती है, 1 सबको डिवाइड कर सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि बच्चे गलती से ना 1 1 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ऐसी गलती मत करना, 1 जो है वो अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है। अब अगर हम 2 से बात करें तो 2 के साथ किसका आएगा, 2 2 2 4 2 6। अगर हम 3 की बात करें तो 3 3 3 6, क्योंकि 3 इन 2 को ही केवल डिवाइड कर पाएगा। अगर हम 4 की बात करें तो केवल 4 को डिवाइड करेगा, 5 जो है वो केवल 5 को डिवाइड करेगा, 6 जो है वो केवल 6 को डिवाइड करेगा। वैसे अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी में आपके 36 ऑर्डर पेयर आते हैं। उन 36 ऑर्डर पेयर में से केवल इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, केवल 14 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं, केवल 14 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपके पास जो ए है इसके हर एलिमेंट का अपने आप के साथ ऑर्डर पेयर होना जरूरी होता है, तो यस यू आर राइट, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसके अंदर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4, 5 5, 6 6, तो ये लिखेंगे यस रिफ्लेक्सिव, बिकॉज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ हमेशा हम ए कॉमा ए ही लिखते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट को लिखना जरूरी नहीं होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू लिख दोगे, वेयर वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो एलिमेंट है वो सेट ए का है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक है। आपको ऐसा कोई एक ऑर्डर पेयर ढूंढ लो कि जिसको रिवर्ट करने पर अगर सेम नहीं आएगा, एक भी अगर नहीं आएगा तो नो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं आपके सामने सबसे पहला ही दिखा रहा हूं 1.2 1.2, तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर कहीं 2.1 है, नो, तो ये हो जाएगा नो सिमेट्रिक, बिकॉज 1.2 बिलोंग्स टू आर बट 2.1 does not belong to R.
देखो यस होने के लिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, लेकिन नो होने के लिए अगर एक भी ऑर्डर पेयर मिल गया जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए ढूंढो, वन से तो ढूंढने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वन तो सबको मिल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको वो दिखाना है जो कहीं अगर नॉट सेटिस्फाइड के लिए आ जाए। अब मान कर लेते हैं वो 2 4 आपके पास है और 4 किसी और को कर ही नहीं रहा है, 4 केवल 4 को ही कर रहा है, तो हमें 2 4 ढूंढेंगे तो 2 4 हमारे पास है ही। अगर बात करें 2 6 2 और फिर बात करें 2 6, फिर 2 और 2 सेम हो गया, तो ये आपका मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप इसको तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव है। यस ट्रांजिटिव, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है, यहां पर जहां जनरल हो जाता है हम जनरल भी लिख देते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी आर में आ रहा है, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको आगे क्वेश्चनों में असुविधा नहीं होगी। अब जैसे आपका जो फोर्थ पार्ट है उसमें है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर में आपका एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब आपको बताना है कि ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ सबसे पहले रिलेशन लिखने के लिए, तो रिलेशन अगर हम लिखने की बात करें तो एक्स जेड है हमारे पास, तो आर में हमारे पास क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है और ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब हमें ऐसा ऑर्डर पेयर इसमें ढूंढना है जिसका डिफरेंस इंटीजर हो, तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या 1 1 इसके अंदर नहीं आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब कुछ आएगा। तो जहां ऐसा होता है कि बहुत सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत पड़े, आपके पास जेड है एंड यू नो कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड, तो हम इस तरह से ऑर्डर पेयर नहीं लिखते, वहां पर अब आपको लैंग्वेज से करना पड़ेगा। यहां पर आपका जो होगा इट इज रिफ्लेक्सिव एज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो विच इज एन इंटीजर, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर के अंदर सारे जो इक्वल वाले एलिमेंट हैं वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 1 1 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 0, तो सारे जो रिपीटेड वाले हैं वो कन्फर्मली आएंगे। अब जो दूसरा कंडीशन हमारा है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो सिमेट्रिक के लिए आपको देखना है कि a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस a इंटीजर होगा कि नहीं होगा। तो यस इट इज सिमेट्रिक बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट BA belongs to R। होगा क्या कि अगर A minus B integer है तो obviously B minus A भी integer ही होगा, बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि अगर एक positive integer आएगा तो दूसरा negative integer आएगा, तो यहाँ equal तो होना जरूरी होता नहीं है कि A minus B और B minus A equal आ जाए, हमें ये दिखाना है कि अगर A minus B आपका integer है तो B minus A भी integer होगा। तो इस तरह से अगर ए बी इसके अंदर लाइज करेगा तो बी ए भी लाइज करना ही करना है, तो इस तरह से ये सिमेट्रिक हो गया। इट इज आल्सो ट्रांजिटिव
because AB belongs to R, BC belongs to R, implies that AC belongs to R. क्योंकि यहाँ infinite number of elements होंगे, because A, B और C ये belongs to Z है. तो इनफाइनाइट एलिमेंट हम लिखते नहीं है, इसी वजह से आपको देखना होता है. बस बस आपकी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कुल मिलाकर मुझे बताओ कि अगर a माइनस बी करते हो, अगर एक इंटीजर आता है, इंटीजर में तो होल नंबर ही होते हैं, b माइनस सी करोगे तो उसमें भी इंटीजर आएगा, और a माइनस सी करोगे तो उसमें भी इंटीजर आएगा. बेशक वो तीनों अनइक्वल होंगे, बट स्टिल दे विल बी इंटीजर. तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. जो अगले क्वेश्चंस हैं, जो अगला पार्ट है, उसमें आपको थोड़ी हंसी भी आएगी. आप समझने का कोशिश करना, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा. तो अब हम अगले क्वेश्चन की पार्ट की बात करते हैं. इसमें पांचवा, इसमें पांचवे में आपके कई सारे पार्ट्स हैं, उसमें आपको हंसी भी आएगी, बट स्टिल दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टर्म्स. जैसे पहला बोला गया है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखने की इसमें जरूरत नहीं है. अगर मान लो कि आपके नाम को दो बार बोल दिया जाएगा, तो आप तो सेम प्लेस पर ही वर्क कर रहे हो, आप सेम लोकेलिटी में भी रह रहे हो. तो इस तरह से मैं दोनों का इकट्ठे बता रहा हूँ, ए और बी दोनों का, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. क्योंकि एक पर्सन का नाम अगर हम तीन बार लिख देंगे तो वो तीन जगह पर तो नहीं होगा ना, होगा तो एक ही जगह पर. वर्क भी एक ही जगह पर कर रहा होगा, स्टे भी एक ही जगह कर रहा होगा, अपना स्टडी भी एक ही जगह कर रहा होगा. तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. अब हम बात करते हैं सिमेट्री की. अगर मैंने कहा कि राम एंड मोहन स्टे एट द सेम प्लेस, या राम एंड मोहन वर्क एट द सेम प्लेस, तो मैं अगर उसको उल्टा करके मोहन और राम बोलूंगा, तो क्या उनका स्थान परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. तो इस तरह से ये दोनों ही क्वेश्चन आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा. अब मैं ट्रांजिटिव के लिए आपको एक बहुत ही घनिष्ठ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका बिल्कुल वो क्लियर कर देगा कौन से. अब मान लो, कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है. अगर इफ ए इज द फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज द फ्रेंड ऑफ सी, तो ए विल आल्सो बी फ्रेंड ऑफ सी. लेकिन यहाँ अगर 1% डाउट भी हो, लेकिन जो मैं इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है. जैसे अगर मैं कहता हूँ इफ राम एंड मोहन वर्क एट द सेम प्लेस, मोहन एंड सोहन वर्क एट द सेम प्लेस, ध्यान से सुनो फिर से, राम एंड मोहन वर्क एट द सेम प्लेस या स्टे एट द सेम प्लेस, मोहन एंड सोहन वर्क एट द सेम प्लेस या स्टे एट द सेम प्लेस, तो राम एंड सोहन विल आल्सो बी वर्क एट द सेम प्लेस एज वेल एज स्टे एट द सेम प्लेस. तो इस तरह से ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. तो इस तरह से जो दोनों पार्ट में आपको इसका कटे एग्जाम्पल दे रहा था, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और ट्रांजिटिव भी होगा. और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. अब मैं आपको इसके जो सी पार्ट है वो बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना. इसमें है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. क्या मैं बोलूं कि राम इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, तो क्या वो सही हो सकता है? एक पर्सन अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो हो नहीं सकता है, अपनी हाइट तो बराबर ही रहेगी. तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा. अगर राम इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम मैं कहता हूं, तो इट इज नॉट करेक्ट, सो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव. अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर राम इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन है, तो मोहन तो 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन राम हो जाएगा. दोनों तो टॉलर नहीं हो सकते दूसरे के, अगर या तो राम बड़ा हो गया, श्याम बड़ा होगा, मोहन बड़ा होगा. तो इस तरह से ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा.
ट्रांजिटिव की बात करें, अगर राम है उसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया मोहन, मतलब ये लाइन हो गया, इसे 7 सेंटीमीटर बड़ा दूसरा हो गया, और इसे भी 7 सेंटीमीटर बड़ा तीसरा हो गया, तो इसे तो ये 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन जो है सेंट्रोलर वाला ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। इसी तरह से आपका जो अगला पार्ट है उसको भी आप ध्यान से सुनो, ये भी आपके लिए थोड़ा सा हंसने वाला क्वेश्चन होगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्या कोई अपने आप का वाइफ हो सकता है? नॉट पॉसिबल। एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई तो हो ही नहीं सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक को भी ध्यान से सुनो, इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई तो क्या वाई इज वाइफ ऑफ एक्स होगा? नो, क्योंकि अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो वाई विल बी हस्बैंड ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो क्या वाई जेड की वाइफ हो सकती है? नहीं, क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई का मतलब हो गया एक्स अगर फीमेल है तो वाई मेल हो गया, तो वाई फिर किसी और के साथ किसी और की वाइफ तो हो ही नहीं सकता, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप आंसर मिलाना और इसको सोचो और दो बार, तब आपको पता चलेगा। इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई तो जेड के साथ कोरिलेट ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से एक्स और जेड का रिलेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये वाला जो एग्जांपल है वो आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव जो है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल को पार्ट, इसका फिफ्थ का जो है पांचवा पार्ट, ये है रिलेशन में एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स इज फादर ऑफ वाई, बच्चों नो पर्सन विल बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि राम इज द फादर ऑफ राम, राम इज फादर ऑफ लॉ हो सकता है, लेकिन राम इज फादर ऑफ राम नहीं हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात, अगर राम इज एक्स इज द फादर ऑफ वाई हुआ तो वाई विल बी द सन ऑफ एक्स ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। X is father of Y, then Y will be son of X. It is not reflexive, symmetric. Reflexive भी नहीं हुआ, symmetric भी नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं transitive की। अगर X is father of Y, Y is father of Z, ये possible है, लेकिन X जो है वो Z का father नहीं होगा, grandfather हो जाएगा। X is father of Y, आराम से सोचो, X का बच्चा Y है, Y का बच्चा Z है, तो X जो है वो Z का grandfather होगा। तो इस तरह से ये हमारा transitive भी नहीं होगा। मैं इसमें दोनों को फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, जो वाइफ वाला है वो reflexive symmetric नहीं होगा, लेकिन transitive हो जाएगा, बट जो फादर वाला है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपने हमने पढ़ा रिलेशन क्या है और टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब इसके बाद आप इसके आगे के क्वेश्चंस करना, और हम उसमें जो है आप नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, देन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, थैंक यू।